तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर ये क्वेश्चन हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. क्वेश्चन है, अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर. कोई गैस बबल फट गया होगा पानी के नीचे, चलो हमें उससे मतलब नहीं, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है. ऑसिलेट्स विथ टाइम पीरियड कैपिटल टी. ठीक है, ऑसिलेट होता होगा विथ टाइम पीरियड कैपिटल टी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. वो कह रहा है कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू पी रेस टू पावर ए, डी रेस टू पावर बी एंड ई रेस टू पावर सी. तो ये समझ में आ रही है मेरे बात कि कुछ टाइम पीरियड इसके प्रोपोर्शनल है. वेयर पी इज स्टैटिक प्रेशर, डी इज डेंसिटी, ई इज टोटल एनर्जी. आपको ए बी सी निकालना है. रूल नंबर वन, यहां कॉन्स्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनल की जगह कॉन्स्टेंट. टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी. प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अपने टेबल में चेक करो, क्योंकि प्रेशर चाहे स्टैटिक है चाहे डायनेमिक है चाहे कैसा भी प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर है. तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया से हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, और एम एल माइनस वन टी माइनस टू था, रेस टू पावर ए. फिर उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एम एल माइनस थ्री, मास अपॉन वॉल्यूम. मास एम है और वॉल्यूम एल क्यूब है, तो एम एल माइनस थ्री, रेस टू पावर बी. और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, रेस टू पावर सी. इसे ओपन किया, एम की पावर ए, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस टू ए, एम की पावर बी, एल की पावर माइनस थ्री बी, एम की पावर सी, एल की पावर टू सी, टी की पावर माइनस टू सी. कर दिया. फिर कंबाइन किया, एम की वैल्यू एम और एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, एल की जगह माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी, और टी की जगह माइनस टू ए टी की जगह माइनस टू सी. लेफ्ट साइड पे सिर्फ टी है तो एम की पावर भी जीरो है, एल की पावर भी जीरो है. तो एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ, तीन इक्वेशंस सॉल्व करो, एबीसी निकालो. सॉल्व करो और जरा एबीसी निकालो. लीनियर इक्वेशंस टेंथ क्लास की प्रॉब्लम है. क्वेश्चन के अंदर निकालो, एबीसी निकालो प्लीज, एबीसी निकालो. तीन इक्वेशंस बन गई ये वाली. तो m की पावर m के साथ, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो.
एल की पावर एल के साथ, तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी, और टी की पावर टी के साथ। इन तीनों को सॉल्व करके कितने लोगों का एबीसी आ गया? एक दो, मैथ है फिजिक्स नहीं है तो करो सॉल्व, ट्राई करो, शायद कुछ ऐसा ही है। बी हाफ है, ए माइनस फाइव बाई सिक्स कुछ ऐसे है। मैंने ये मेथड काफ़ी लंबा कर दिया, लेकिन आज जब ट्राई किया तो दो मिनट का ही क्वेश्चन था, ये ज़्यादा लंबा था ही नहीं, तो देखने वाली बात है, मुझे दिखाई नहीं, लेकिन जब बाद में देखा तो एक लाइन का क्वेश्चन बन गया। कैसे? यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन से आप कॉमन निकाल लें क्या, माइनस टू, तो क्या बचा, ए प्लस सी, ठीक है, यानी कि ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई बोलो, माइनस हाफ, सही है। फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस सी को क्या पुट कर दें, माइनस हाफ, तो बी क्या आ गया, हाफ, सही है मेथड, बी हाफ आ गया। भाई जब बी हाफ आ गया और एक आंसर आ गया, तो आप बी की वैल्यू को कहीं पर भी ऊपर या नीचे हाफ हाफ पुट कर लेना, तो ए और सी की इक्वेशंस आएंगी, वहां से आंसर निकाल लेना। कम से कम एक आंसर आ गया, तो आपके अब दो वेरिएबल तो बचे गए, एंड भी उन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। करो चला ट्राई, तो बी की वैल्यू यहाँ पर साफ पता लग रहा है कितनी हो गई, बी की वैल्यू हाफ की वैल्यू जो है वो हाफ आ गई, बी की वैल्यू सॉल्व करके हाफ आ गई। अब आगे सॉल्व करो, बी की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट कर दो, ए और सी में इक्वेशंस बनेंगी, चेक करो, फिर ए और सी निकालो, ए और सी निकालो। तो बी को जब यहाँ हाफ पुट करोगे तो ए प्लस सी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आएगी, माइनस हाफ, और नीचे पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस ए माइनस थ्री बी की वैल्यू हाफ प्लस टू सी, तो इक्वेशन बनेगी ए माइनस ए प्लस टू सी इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ये बनेगी इक्वेशन, ठीक है। जब आप बी की वैल्यू को पुट करोगे तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो क्या जाएगा, सी, तो थ्री सी इज इक्वल टू को ऐड करके सी आ जाएगा, सी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट करके ए आ जाएगा, तो ए बी सी निकाल लोगे, कोई डाउट इसमें, ए बी सी क्लियर है, तो यहां से सॉल्व करके ए बी और सी निकाल लो, तो आपको यही निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, राइट, क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इफ अ कॉम्पोजिट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, फोर्स एफ एंड वेलोसिटी वी एंड वर्क डन डब्ल्यू, लेंथ एल, सब कुछ गिवन है, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, तो बताओ क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये बताओ, और दूसरा ये बताओ कि वो डायमेंशनल फॉर्मूला किस क्वांटिटी का है। तो रूल नंबर वन, आप आए फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप टेबल चेक करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, एमएल स्क्वायर, तो चेक करो आई की जगह क्या पुट करेंगे, एमएल स्क्वायर। दूसरी क्वांटिटी क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना, एमएलटी माइनस टू, एफ की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब एलटी माइनस वन का स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वर्क डन, वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है, एम एल टू टी माइनस टू। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, लेंथ, लेंथ का क्यूब, तो ये टर्म आ गई। अब आप एक काम करना, इस न्यूमिनेटर को यहां पे इसकी जगह पुट करना एल टू टी माइनस टू, क्योंकि स्क्वायर है, फिर एम को एम के साथ कट, एल स्क्वायर टी माइनस टू टी माइनस टू, सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आएगा, एम टी माइनस टू। तो एम टी माइनस टू अगर आप टेबल में चेक करें तो किसके साथ मैच करता है, सरफेस टेंशन के साथ। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसका मतलब चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो अपने को क्या याद होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं करवाया, लिखो फॉर्मूला रजिस्टर, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ एनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं. मोमेंट ऑफ एनर्शिया का फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो मास एम है और डिस्टेंस एल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला इज एम एल स्क्वायर. ये नोट कर लो प्लीज, फॉर्मूला जो जहां आप नोट कर रहे हो रजिस्टर में, उस फॉर्मूले में इसकी एंट्री कर लो एम एल स्क्वायर. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? एम एल स्क्वायर ठीक नोट कर लिया फॉर्मूला. तो क्वेश्चन में आई की जगह एम एल स्क्वायर, फोर्स पुट किया, वेलोसिटी पुट की, वर्क डन और एल सॉल्व करो, सब कैंसिल करके आपके पास आंसर क्या आएगा? एम टी माइनस टू. देखो सिंप्लीफिकेशन आपका काम है करना, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है. तो इसके बेस पे दो असाइनमेंट्स दूंगा होमवर्क के लिए, आपको प्रॉपर करनी है ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो कैसे आपको ए बी सी निकालना है. ठीक है, तो एक बार ये शीट मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे आपको करनी है. हो जाएंगे ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करेंगे. इस क्वेश्चन को समझाता हूं, सॉल्व आपने करना है. क्वेश्चन है अज्यूमिंग क्रिटिकल वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी क्रिटिकल हो नॉन क्रिटिकल हो, कार की हो रॉकेट की हो, किसी वेलोसिटी वेलोसिटी है एल टी माइनस वन. तो वेलोसिटी क्रिटिकल ऑफ लिक्विड किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर, हमें ट्यूब से कोई मतलब नहीं है. वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन किस पे? रेडियस ऑफ द ट्यूब रेज टू पावर ए, डेंसिटी रो रेज टू पावर बी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी. इसे कंबाइन कर लिया तो आपके पास क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया, क्रिटिकल वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट आर रो ईटा. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, आर की जगह एल लेंथ है, डेंसिटी की जगह मास बाय वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री, ईटा क्या है? कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर्मूला का क्या करवाया था? एम एल माइनस वन टी माइनस वन, क्या करवाया था? एम एल माइनस वन टी माइनस वन. पुट करो और एबीसी निकालो, एबीसी निकालो. हो गया एबीसी. ठीक है ना? तो सबने ये वैल्यूज को तो पुट कर लिया ना, वैल्यूज पुट करके ये एम तो है नहीं यहां पर, एम जीरो, एल टी माइनस वन. यहां पर चेक करना प्लीज, एम की पावर बी, एम की पावर सी, तो एम की पावर बी प्लस सी, एल की पावर ए, एल की पावर माइनस थ्री बी, एल की पावर माइनस सी, तो क्या होगा? ए माइनस सी माइनस थ्री बी, टी की पावर माइनस सी, तो एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ. करो ट्राई. ठीक, यहां तक क्लियर है?
गूगल फॉर्म कितने लोगों ने नहीं भरा अभी? आपने नहीं भरा होगा अभी, तो गूगल फॉर्म सबने भरना है। कल ये जो सॉल्यूशंस हैं सारे के सारे गूगल ड्राइव पे आपको ईमेल आएंगे। तो जितनी भी हमने शीट्स की अभी तक, चाहे एरर्स की चाहे कोई भी, उसके सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे। तो जैसे ये शीट है, ये शीट एज इट इज़ वहाँ पर चली जाएगी, तो आप रेफर कर सकते हो कल को। ठीक, तो कल से हम शेयरिंग करेंगे स्टार्ट। करो सॉल्व ABC। तो इक्वेशन बनाई सबने, ये देखो। तो इक्वेशन क्या बनाई, 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी, पहली इक्वेशन। 1 इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस 3b, और -1 इज इक्वल टू माइनस सी। तो चलो सी तो आ गया 1, सी अगर 1 आ गया तो बी कितना आ गया -1, बी आ गया सी आ गया, तो बी और सी को पुट करके क्या आ गया, ए आ गया -1, ए बी सी आ गया। उन ए बी सी की वैल्यू को वापस यहां पर भी पुट करना है, तो ए बी और सी, ये देखो -1, -1 और 1, तो यहां से नेगेटिव वाली टर्म डिनोमिनेटर में चली गई। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? दो चीजें आनी चाहिए, एक डायमेंशनल फॉर्मूला और एक लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि अगर वो भी नहीं आते तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक, ओके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज्यूमिंग फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है और किस पे डिपेंडेंट है, अप्लाइड फोर्स, लोड लिखा हुआ है, लोड और फोर्स एक ही बात होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन न्यू डिपेंड्स अपॉन फोर्स रेज टू पावर ए। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल रेज टू पावर B. नेक्स्ट, मास पर यूनिट लेंथ m, इंपॉर्टेंट यहां पर m मास नहीं है, सिंबल m का है लेकिन है क्या मास पर यूनिट लेंथ।
तो जब आप m का सिंबल पुट करोगे डायमेंशन, तो m मत पुट करना क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो क्या पुट करेंगे, एम बाय एल यानी कि एम एल माइनस वन। वो कंफ्यूज करने के लिए एम दे रहे हैं ताकि आप लोग एम पुट कर दें देखते ही, पर एक्चुअल में उसका नाम क्या है, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, आपको प्रूव करना है कि फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू है। तो आप इन्हें कंबाइन करें, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टी की पावर माइनस वन, फोर्स का एम एल टी टू टी माइनस टू, लेंथ का एल और मास पर यूनिट लेंथ एम एल माइनस वन। पुट करें, एबीसी निकालें और फॉर्मूले को ड्राइव करें। तो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने फॉर्मूलाज पुट किए चेक करो। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू टी की पावर माइनस वन, फोर्स ये रहा, लेंथ ये रहा और मास ये रहा, मास पर यूनिट लेंथ ये रहा। जैसे ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो एम है नहीं, एल है नहीं, तो रेज टू पावर जीरो जीरो, टी की पावर माइनस वन, एम की पावर ए, एम की पावर सी, तो एम की पावर ए प्लस सी, एल की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस सी, और लास्ट में टी की पावर माइनस टू ए। अब एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ, करो ट्राई, एबीसी निकालो। तो ये तीन इक्वेशन सबने बनाई, तो पहली इक्वेशन क्या, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, और माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू ए, तो एटलीस्ट ए तो आ जाएगा। तो तीन इक्वेशन ये बनेंगी ना कंपेयर करके, ठीक। तो कंपेयर करके आपके पास ये तीन इक्वेशन बनी, चेक करो। इन तीन इक्वेशन में से आपने ए निकाल लिया हाफ, तो ए को यहाँ पुट किया हाफ, तो सी कितना आया माइनस हाफ, सी भी आ गया, ए भी आ गया, ऊपर इक्वेशन में पुट करके क्या आ गया, बी भी आ गया, ए बी सी तीनों आ गए। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सबका आ गया ए बी सी, ठीक।
क्लियर है यहां तक? तो इसको एक काम करेंगे, इधर देखो प्रूव करना है ना, ध्यान आगे प्लीज, इसको एबीसी यहां प्रूव करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज सम कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, ए की वैल्यू कितनी है हाफ, लेंथ की वैल्यू कितनी है बी कितना है माइनस वन, एम की वैल्यू कितनी है सी कितना है माइनस हाफ। तो एक काम करते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू लेंथ नीचे ले जाते हैं, एफ अंडर रूट है और मास नीचे ले जाते हैं माइनस हाफ है, तो ये आंसर आ गया। कॉन्स्टेंट हटा दोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है? प्रूफ वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं होता और ये कभी गलत नहीं हो सकते। कैसे? मान लो आपने यहां तक ये इक्वेशन बना दी, ये तो बना ही लोगे। प्रूफ में साफ पता लग रहा है L डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा तो L की पावर माइनस वन, तो पता है साफ कि L की पावर B है, B माइनस वन ही आएगा। मतलब ओरली भी बता सकते हो माइनस वन है। जैसे F की पावर क्या है हाफ, तो F की पावर A क्या आना चाहिए हाफ, तो M हाफ है, ऊपर गया माइनस हाफ है, तो M की जो भी पावर सी वो माइनस हाफ है, डन। तो अगर आप ना भी सॉल्व करो और गलत मदद भी आ जाए तो पता है कि इसको सही कैसे करना है, हैंस प्रूफ तो लिखी आओगे, वो तो करना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, फोर्स कैसी भी हो, सेंट्रिपिटल हो नॉन सेंट्रिपिटल हो, कोई मर्जी नाम हो, फोर्स फोर्स है, MLT 2- T-2 ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ रेडियस ऑफ r, फोर्स का फॉर्मूला बनाओ। हमने ये मेरा पहला एग्जांपल था लास्ट क्लास का, तो इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर a, वेलोसिटी रेज टू पावर b, रेडियस रेज टू पावर c। तो अब जरा इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी इज सम कांस्टेंट m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फोर्स है, सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, MLT माइनस टू, मास की जगह m, वेलोसिटी LT माइनस वन, r की जगह l। बनाओ इक्वेशन ABC और फॉर्मूला निकालो क्या होगा। तो आंसर आ गया, तो इसमें m की पावर a है, l की पावर b है, और l की पावर c है तो b प्लस सी है, और t की पावर माइनस बी है, तो 1 a 1 b प्लस सी माइनस 2 माइनस बी। तो सॉल्व करके ABC आ गया। इस ABC को वापस यहां पे पुट करना है, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, r नीचे चला गया, mv स्क्वायर बाय r इज द आंसर। लास्ट टाइम भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, मेथड समझ में आ रहा है? एक ऐसे क्वेश्चन तो है सारे, बस एक ही तो आना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आया ना तो फिर ये क्वेश्चन बेकार है। एक क्वेश्चन मेंस में आना ही है, एक क्वेश्चन नीट में पक्का आना है, और एक
क्या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्कूल के पेपर्स के अंदर आएंगे ही आएंगे, उनके पास करवाने के लिए कुछ नहीं है। अभी लेट स्टार्ट होने हैं स्कूल, तो ये तो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डेप्थ एक्स, डेप्थ क्या होती है, डेप्थ किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, तो मीटर का मतलब एल। तो एक्स विच बुलेट पेनिट्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी, कोई कहेगा सर समझ नहीं आया कि गोली बंदे को क्यों लगी, तुमने समझना भी क्यों है, वो कह रहे इट डिपेंड्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी, जबकि ये सिंबल ईटा कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है। उसने जान के सिंबल विस्कोसिटी का लिया लेकिन नाम क्या रखा, इलास्टिसिटी, तो हम इसको इलास्टिसिटी ही मानेंगे। तो कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी हमने लास्ट टाइम किया था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, चेक करो रजिस्टर, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्रेस का प्रेशर का इलास्टिसिटी का सेम होता है। तो एंड काइनेटिक एनर्जी, तो एक्स किस पे डिपेंडेंट है, इलास्टिसिटी रेज टू पावर ए एंड एनर्जी रेज टू पावर बी, तो इसको कंबाइन कर लिया। एक्स लेंथ है, इलास्टिसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस टू है, चेक कर लो अपने टेबल के अंदर करवा रखा है, और एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू है। तो यहां से आप ओपन कर लें, एम की पावर ए प्लस बी है, एल की पावर माइनस ए प्लस टू बी है, टी की पावर माइनस टू ए माइनस टू बी है। तो उसके बाद कंपेयर करें एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ, तो वहां से ए बी सी, वैसे तो दो ही क्वेश्चन से आ जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा, बी आ गया तो ए आ गया आंसर, तो ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहां से ए बी और ए की वैल्यू आ जाएगी, बी और ए को वापस यहां पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, ठीक। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन रेज थ्रू अ सर्टेन हाइट बाय मेकिंग यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। वैसे तो पता ही है पोटेंशियल जी एमजीएच होती है, बस वो आपको प्रूव करना है कि डायमेंशनली एमजीएच होती है। तो क्या करोगे, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एच रेज टू पावर ए, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास रेज टू पावर बी, एनर्जी डिपेंड अपॉन जी रेज टू पावर सी। पता ही है एबीसी 111 नहीं आना चाहिए, तभी तो आंसर एमजीएच बनेगा, पर आपने ये शो नहीं करना कि आपको आंसर 111 पता है, तो आपने एबीसी ले लिया कुछ भी, तो इसको कंबाइन किया, एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू है, एच हाइट है, लेंथ है, मास एम है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू। फिर एम की पावर यहां से बी, एल की पावर ए प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी, तो m की पावर m के साथ, l की पावर l के साथ, t की पावर t के साथ। आंसर तो सॉल्व ही क्या करना, पता ही आंसर a b c का 111 ही आएगा, तभी तो आंसर m g h बनेगा। ठीक है, प्रूव करने वाले तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पता ही होता है पावर क्या आनी है। बोलो a और b निकालना है, नहीं पुट भी किया मैंने, a और b को मैंने यहां पे पुट किया, आंसर है एक्सप्रेशन निकालना होता है टू, उसमें टू प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव लिखा ही नहीं इसमें फॉर्मूला, जिसमें कुछ नहीं होगा उसमें फॉर्मूला बनाना होता है, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर वन का नाम क्या है, टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशन का मतलब इक्वल टू की फॉर्म में बताना पड़ेगा कि आपस में कैसे रिलेटेड है, अकेले एबीसी से बात नहीं बनेगी, आपको पुट भी करना होता है इसमें।
ठीक है ना, कोई नहीं, आपको घर के लिए असाइनमेंट मिलेंगी दो, आपको 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे, आप अपने आप मास्टर हो जाओगे अगली बार तक इसके, बात खत्म। जहां आपके 12-15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, डन हो गया बस, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की विस्कोसिटी। इलास्टिसिटी, ओके, इसका सिंबल नहीं गिवन तो मैंने अपने मन से ईटा ले लिया, रेज टू पावर ए। नेक्स्ट डेंसिटी, बस दो ही क्वांटिटीज हैं, रेज टू पावर पी, कंबाइन कर लिया, वेलोसिटी एलटी माइनस वन है। इलास्टिसिटी, देखो यहां कंफ्यूजन रहती है, विस्कोसिटी है कोफिशिएंट की इलास्टिसिटी है, यहां इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी का टेबल में चेक करो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री, तो फिर से एक बार एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर माइनस ए माइनस थ्री बी, और टी की वैल्यू माइनस टू ए। तो यहां पर एम तो है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ, तो तीन ही क्वेश्चन आएंगी, किन्हीं भी दो को सॉल्व। वैसे तो ए आ ही गया यहां से, हाफ ए हाफ आ गया, तो बी माइनस हाफ आ गया, डन आंसर। फिर यहां पुट कर देना ए और बी, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए सेकंड और थर्ड सब्जेक्टिव शीट पे आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्लास में क्या करेंगे इसको कर करके, प्रैक्टिस तो आपने करनी है, आपको समझ तो आई गया क्या करना है, आप फटाफट घर में अपना काम खत्म करें और डन। क्लास के अंदर रोज रोज थोड़ा ना ये दिखाता रहूंगा कि देखो पुट कर लिया, इससे फायदा नहीं हो रहा। फायदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब तक आप नहीं ढूंढेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और वो प्रैक्टिस होमवर्क से ही होगी। जब आप खुद टेबल को चेक करेंगे 10-10 बार, आपको याद हो जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूलास, ठीक है ना? करवाने का तो नेक्स्ट शीट भी करवा सकता हूं, पर नहीं, आप होमवर्क ले उसे, उसके डाउट्स वगैरह मैं यहां पर दूंगा, ठीक? क्लियर है यहां तक? तो यहां ए और बी की वैल्यू निकाल लेना, ए आ रहा है हाफ, बी आ रहा है माइनस हाफ, ए हाफ है, बी माइनस हाफ है, फिर एंड में मां पुट कर देना यहां पर हाफ और माइनस हाफ आंसर। क्लियर है यहां तक? हो जाएगा सॉल्व ये। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है कोई क्वेश्चन? दो क्वेश्चन हो गए, असाइनमेंट नहीं है, ठीक है अकुल, नेक्स्ट फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मोड क्या होता है आपको कोई मतलब नहीं है, बात फ्रीक्वेंसी की हो रही है, और फ्रीक्वेंसी किसमें निकाल रहे हैं? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खींची हुई रस्सी या स्ट्रिंग, उसमें निकल रही है। डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल रेज टू पावर ए, टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो यहां कंफ्यूजन है, हमने टेबल के अंदर लास्ट टाइम की थी सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये है सिर्फ टेंशन। रस्सी के अंदर जब वो खिंच जाती है उसमें फोर्स आ जाती है, और रस्सी की फोर्स को हम आगे जाके स्टडी करेंगे उसको टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन फोर्स है। सरफेस टेंशन अलग है, सरफेस टेंशन लिक्विड की होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दोनों में फर्क है। तो यहां सिर्फ टेंशन है तो यहां फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लगेगा, क्लियर है यहां तक। और लास्ट मास पर यूनिट लेंथ, मास नहीं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम नहीं, एम अपॉन एल, मास पर यूनिट लेंथ। तो एम का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो यहां पे इन्हें कंबाइन करें तो फ्रीक्वेंसी टी की पावर माइनस वन है, लेंथ एल है, टेंशन फोर्स है, फोर्स एम एल टी माइनस टू है, और मास पर यूनिट लेंथ, ये मैंने गलत किया है, गलत किया है, ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एम एल माइनस वन, माइनस वन, ये ऐसा होना चाहिए, क्लियर है यहां तक। तो आप प्लीज सॉल्यूशन ना चेक करें, सॉल्यूशन ना चेक करें, आप गलत हो गया ये तो आप अपना बनाएं, एबीसी सॉल्व करें, आंसर निकालें, क्योंकि ये तो गलत हो गया रहा, मैंने गलत पुट कर दिया, मैंने डेंसिटी पुट कर दी, जबकि मुझे एम एल माइनस वन पुट करना चाहिए। इसे सॉल्व करें, एबीसी निकालें प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर जरा प्लीज पुट करें और ए बी सी चेक करें क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से बी तो हाफ ही आ रहा है और सी माइनस हाफ आ रहा है, चेक करो यही आ रहा है, बी इसमें हाफ आ रहा है, सी माइनस हाफ आ रहा है, और ऐसे ए भी निकल आएगा, ए कितना आ रहा है, माइनस हाफ, माइनस वन, चेक, ए माइनस वन आ रहा होगा, ए माइनस वन है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा ना उसको फिर यहाँ पुट भी करना है, एल की पावर ए, टी की पावर बी, एम की पावर सी, और फिर ये देखो एल की पावर माइनस वन का मतलब वन बाई एल, टी अंडर रूट एम नीचे आ गया, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, हमने प्रूव भी किया था ये फॉर्मूला, वैसे सेम क्वेश्चन है ये, मेथड समझ में आ रहा है, मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला आता है तो ही मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, अगर नहीं आता तो नहीं कर पाऊंगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो कैसे करना है, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन जिसमें फाइंड मेथड डायमेंशंस एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन को बोलते हैं, पर हमें ये वर्ड चाहिए नहीं, हमें तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एम रेज टू पावर ए, फ्रीक्वेंसी एफ रेज टू पावर बी, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक पेंडुलम है, पेंडुलम इधर से इधर गया तो पहली बार पेंडुलम 4 सेंटीमीटर इधर गया, फिर अगली बार 3 गया, अगली बार 2 गया, अगली बार 1 गया, ऐसे तो मैक्सिमम कितना गया, 4, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड लेंथ है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एम एफ आर, कंबाइन किया एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, मास एम है, फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन है, और एम्पलीट्यूड एल है। तो फिर कंबाइन करेंगे एम की पावर ए, एल की पावर सी, टी की पावर माइनस बी, ए बी सी निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ गई यहां पर 1, 2 और माइनस 2, फिर एनर्जी के फॉर्मूले में ए बी सी को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।